सो हाई गाइस, वेलकम टू माई चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम दो ऐसे बजट सेगमेंट के प्रोसेसर के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फर्स्ट प्रोसेसर हमारे पास है इंटेल का i3-10100 जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है 10th जनरेशन का, और जो दूसरी तरफ प्रोसेसर है वो हमारा AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3100 जो Ryzen का 3000 सीरीज का प्रोसेसर है। तो गाइस मैं बता दूं, इन दोनों प्रोसेसर के प्राइस में 2000 का डिफरेंस है। तो देखते हैं ये प्रोसेसर अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो भाई सबसे पहला प्रोसेसर जो हमारा है वो हमारा कोर i3-10100 जो एक 4-core 8-thread वाला प्रोसेसर है। इसका जो सॉकेट आपको मिलेगा वो है FCLGA 1200 जो सॉकेट हर बार चेंज होता रहता है इंटेल की हर नई जनरेशन पे। और इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.0 GHz और जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.3 GHz। और इसका TDP है वो है 65W जो आज के प्रोसेसर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और कैश मेमोरी वो है 6 MB की कैश। और जो इसका आर्किटेक्चर वो है कॉमेट लेक जो 14 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से मिल सकता है, मतलब आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना, आपको जस्ट पीसी कंप्यूटर में प्रोसेसर लगाना है और गेमिंग शुरू कर देनी है तो वो भी कर सकते हो, बट इतनी अच्छी गेमिंग कर नहीं पाएगा। इसमें जो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं वो है इंटेल UHD 630। और जो कैसे लास्ट चीज़ है वो इसका प्राइस, तो प्राइस इसका 11200 जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो गाइस पढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेसर की तरफ। तो गाइस हमारा जो सेकंड प्रोसेसर वो हमारा AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3100 जो एक 4-core 8-thread वाला प्रोसेसर है। इसकी जो बेस क्लॉक है वो 3.0 GHz और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो 3.9 GHz। बट आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो 4.2 GHz तक स्टॉक कूलर पे, क्योंकि इसका स्टॉक कूलर आता है वो कूलर मास्टर का जो काफ़ी अच्छा रहता है। इंटेल के स्टॉक कूलर इतने अच्छे नहीं रहते, वो बस आपका काम ही चला देते हैं, पर आपको उसे चेंज कर लेना चाहिए। तो उसकी जो TDP है वो 65W जो बिल्कुल सेम i3 के, एंड जिसकी कैश या मेमोरी है वो है हमारी 16 MB की जो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है तो ओवरक्लॉकिंग में तो कोई इशू आने वाला है नहीं, तो बस आपको मदरबोर्ड पे लगाना है, शुरू कर देनी है ओवरक्लॉकिंग। और ये सपोर्ट करता है PCIe Gen 4 को जो बहुत सही चीज़ है, नए मदरबोर्ड में सब PCIe Gen 4 का ही सपोर्ट आने वाला है। और इसका जो लास्ट थिंग है वो इसका प्राइस, तो प्राइस इसका 8900 के आसपास, तो आप मान सकते हैं 9000 का आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। तो गाइस बढ़ लेते हैं इनके बेंचमार्क की तरफ। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. तो गाइस बेंचमार्क देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो इन दोनों प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस है वो काफ़ी कम है।
इनके जो प्राइस में डिफरेंस है वो है 2000, जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है अगर आप एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड कर रहे हो। तो मेरे मानना था आप AMD के साथ ही जाओ, क्योंकि इसके सॉकेट भी आपको अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो सॉकेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस BIOS अपडेट करो एंड मदरबोर्ड को चलाना शुरू कर दो। बट अगर आप i3 लेते हो तो उसमें सॉकेट ही चेंज होता है, आपको हर बार मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में AMD विनर है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस। The way that things have been, oh, ooh. Second thing, second, don't